आप सभी को मेरा नमस्ते। इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अपन इंग्लिश में आज बात करेंगे, जो आपके राइटिंग से रिलेटेड कुछ है उसमें आज अपन बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग। क्या बात करेंगे? रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग तो बहुत छोटा टॉपिक है और अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ज़्यादा मतलब बहुत इजी सा टॉपिक है, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना। कैसे अपन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, रिपोर्ट क्या होती है? कोई भी जैसे किसी भी मतलब मान लो कोई न्यूज़ है उसके बारे में रिपोर्ट लिखना, कोई प्रपोजल है उसके लिए रिपोर्ट लिखना, ये सब क्या होते हैं? रिपोर्ट राइटिंग होते हैं। तो अपन को रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, कैसे अपन रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ें मेन होगी, वो सब चीज़ें अपन आज देखते हैं। तो बिल्कुल छोटा टॉपिक है और आपके एग्जाम से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या है, जैसे रिपोर्ट राइटिंग में अपन को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? एक तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट, जो रिपोर्ट है उसका क्या प्रॉपर फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में रिपोर्ट होनी चाहिए। जैसे अपन ने बात करी थी, अपन ने क्या बात करी थी, पैराग्राफ राइटिंग की, पैराग्राफ राइटिंग की बात करी थी अपन ने। तो उसमें क्या होता था, अपन कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या लिखते थे, पैराग्राफ लिखते थे। इसमें क्या है, अपन को रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट लिखनी है किसी भी, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट मान लो, न्यूज से रिलेटेड रिपोर्ट मान लो कुछ भी, तो वो क्या करना है अपन को लिखना होता है। तो जैसे अपने पास एक तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट, जैसे पैराग्राफ में क्या था, पैराग्राफ में अपन को प्रॉपर पैराग्राफ बनाना होता था, उसमें कई चीज़ें ध्यान रखनी थी, एग्जाम्पल कहाँ सेट करना है, कहाँ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो सब चीज़ें। तो इसका भी क्या होना चाहिए, रिपोर्ट का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो मैं आपको बताता हूँ। कहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, जो रिपोर्ट लिख रहा है उसका एड्रेस लिखना है, कहाँ पे और चीज़ें लिखनी है वो बताता हूँ मैं। राइट इन पैराग्राफ, और जो रिपोर्ट है वो पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखनी है अपन को, पैराग्राफ होनी चाहिए। ऐसे नहीं मतलब रिपोर्ट लिख रहे हैं तो एक ही पैराग्राफ में अपन ने क्या करी, रिपोर्ट लिख दी, उसको एक या जैसे दो तीन पैराग्राफ किसी भी रिपोर्ट पे, जितना अपने पास मैटर है उसके अकॉर्डिंग ये पैराग्राफ बन जाएंगे अपने पास कितने। और जो वोकेबलरी यूज करेंगे अपन वो पैसिव वॉइस में होनी चाहिए। ये आप पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपके चैप्टर है एक, उसमें अपन क्या करेंगे, पैसिव एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। तो अपन को क्या करनी है, पैसिव वॉइस में वोकेबलरी यूज करनी है। और जैसे रिपोर्ट है कोई मान लो न्यूज़ से रिलेटेड रिपोर्ट है, कोई न्यूज़ थी मतलब जैसे मान लो कुछ हुआ है, कोई घटना घटी है, कोई इंसिडेंस हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो वो मतलब पास्ट में हुआ होगा, पास्ट में हुआ होगा, उसको आज अपन बता रहे हैं, तो वहां पे अपन को टेंस कौन से यूज करने, पास्ट टेंस यूज करने। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में हो चुकी घटना, पास्ट में हो चुकी, तो अभी अपन उसको बता रहे हैं, तो किस कौन से टेंस यूज करेंगे अपन, पास्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे और रिपोर्ट में होता क्या क्या चीजें हैं, जैसे रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट में जैसे एक चीज ध्यान रखो, रिपोर्ट में अपन को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, एक तो व्हाट, रिपोर्ट क्या कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है मतलब रीजन, रीजन क्या कहना चाह रही है रिपोर्ट। वेन, कोई भी रिपोर्ट है किसके बारे में अपन लिख रहे हैं, कोई इंसिडेंट हुआ है वो उसके बारे में लिख रहे हैं, तो वो कब हुआ, कब, टाइम कब हुआ, वेयर कहां पर हुआ, कहां से संबंधित है, मतलब कहाँ से रिलेटेड रिपोर्ट है वो उसके बारे में लिखना है, कौन लिख रहा है, कौन राइटर है ये। उसके बाद है हाउ, कैसे हुआ वो इंसिडेंट, अगर कोई भी किसी भी बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं अपन, किसी इंसिडेंट के बारे में लिख रहे हैं, कोई न्यूज लिख रहे हैं, तो वो कैसे हुआ।
कैसे हुआ, इस बारे में क्या करना है अपन को बताना है। तो रिपोर्ट में मेनली अपन को क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे एक तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या करना है, रिपोर्ट किस बारे में है उसका इंट्रोडक्शन क्या करना है अपन को अच्छे से देना है। जैसे अपन प्रस्तावना बोलते हैं उसको, तो ये क्या हो जाएगा इंट्रोडक्शन। इसके ऊपर एक मतलब जो रिपोर्ट लिख रहा है राइटर नेम, वो भी अपन क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब उसका टाइटल, टाइटल बोल दो। जैसे जैसे टाइटल किस बारे में रिपोर्ट है उसके बारे में अपन क्या करेंगे एक लाइन में ऊपर हेडिंग डालेंगे। हेडिंग, हेडिंग में क्या बता देंगे उसका, इंट्रोडक्शन के किस बारे में रिपोर्ट है वो अपन हेडिंग में बता देंगे। जैसे उसकी बॉडी, इसमें क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसे पैराग्राफ में अपन ने लिखा था उसके बारे में जो भी चीजें एग्जाम्पल्स क्या क्या उसकी क्वालिटीज है वो सब चीजें अपन ने पैराग्राफ में लिखी थी। तो इसमें जो बॉडी पार्ट है उसमें क्या क्या आएगा अपने पास बॉडी में, जैसे उसके बारे में रिपोर्ट मतलब कब हुई कैसे हुई क्या क्या हुआ क्या क्या हुआ, ये सब चीजें अपन को कहाँ लिखनी है जो बीच में रिपोर्ट के बारे में जो इंट्रोडक्शन पूरा सॉरी जो अपन मेन बॉडी में लिखेंगे। जैसे पैराग्राफ में अपन लिखते थे पैराग्राफ में क्या क्या एग्जाम्पल सब चीजें, तो जो भी उसके बारे में अपन को जितनी भी डिटेल पता है जितनी भी जानकारी अपन को लिखनी है किसके बारे में रिपोर्ट के बारे में जो कुछ भी लिखना है वो अपन कहाँ लिखेंगे बॉडी में सारी जानकारी, जानकारी बॉडी में लिखेंगे। बॉडी में लिखेंगे अब इसमें क्या है जैसे कॉन्क्लूजन, अब कॉन्क्लूजन मतलब लास्ट में जैसे अपन को क्या करना है, जैसे पैराग्राफ में मैंने बताया था कॉन्क्लूजन क्या कॉन्क्लूजन निकल रहा है वैसे इसमें क्या करेगा निष्कर्ष, इसको निष्कर्ष बोलते हैं निष्कर्ष। तो जो मतलब लास्ट में क्या होता है लास्ट में अपन को क्या लिख देना है, जैसे एक दो लाइन से क्या पता चलना चाहिए कि इस रिपोर्ट से मतलब ये अपन को कंक्लूजन निकाल रहे हैं अपन, ये हो सकता है इसमें, तो ये आखिर में लिखना है। आखिर में क्या लिख देना है जैसे कंक्लूजन, उससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं अपन, ये सब अपन को लिखना है। उसके बाद रेफरेंस लिस्ट, ये क्या होती है रेफरेंस मतलब वो जो रिपोर्ट है जैसे मान लो कोई घटना घटी उसके रेफरेंसेज इसमें क्या लिखेंगे कि मतलब उसकी जानकारी आपको कैसे मिली क्या क्या सोर्सेज यूज किया आपने वो सब चीजें अपन कहाँ लिखेंगे रेफरेंसेज लिस्ट में, उसके सोर्सेज, सोर्सेज कि जिससे मतलब ये रिपोर्ट अपने पास पहुंची अपन को पता चला अपन इसको क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं, तो ये सब कहाँ से ये रेफरेंस लिस्ट में आ जाएगी ये चीजें। उसके बाद जैसे ये है रिपोर्ट, अब इसमें रिपोर्ट जैसे रिपोर्ट तो वैसे तो कई टाइप की हो सकती है, एकेडमी के कोई मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गई कोई भी प्रपोजल हो गया ये सब चीजें होती है। लेकिन इसमें क्या है जैसे अपने पास इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एक तो अपन को क्या कोई जानकारी देनी हो कोई भी जानकारी देनी हो तो कोई भी जानकारी देने के लिए अपन क्या करते हैं एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं एक रिपोर्ट लिखते हैं। तो कोई भी जानकारी अपन को देनी हो तो वो किस में आ जाएगी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट तो वैसे कई टाइप की हो सकती है किसी भी टाइप से अपन कुछ भी कर सकते हैं। एक प्रपोजल, जैसे अपन को कोई प्रपोजल लिखना है किसी को कोई प्रपोजल देना है तो उसके लिए भी क्या करते हैं अपन रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं प्रपोजल के लिए किसी भी प्रपोजल के लिए। एक होता है फंक्शनल रिपोर्ट्स, एक क्या होता है फंक्शनल रिपोर्ट। अब इसमें फंक्शनल रिपोर्ट में जैसे फंक्शनल मतलब विभिन्न फंक्शन जो भी मेनी फंक्शंस के लिए क्या होती है रिपोर्ट होती है, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई मार्केटिंग रिपोर्ट हो गई एजुकेशन रिपोर्ट हो गई या एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल से रिलेटेड कोई रिपोर्ट हो गई, तो ये सब क्या है इनके बारे में अपन क्या करेंगे
रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो मेनली अपन ने क्या क्या पढ़ा, जैसे रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग सबसे पहले तो क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग में अपन को क्या करना है, नेम, नेम जो भी लिख रहा है रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखने वाले का, लिखने वाले का। अब इसमें रिपोर्ट लिखने वाले में जैसे कोई न्यूज़पेपर एजेंसी भी हो सकती है, कोई चैनल हो सकता है, या कोई आदमी भी हो सकता है, तो वो अपन लिख देंगे। जैसे अब तुम्हारे क्वेश्चन आएगा तो उसमें बाकायदा दे रखा होगा तुम्हें किस पे रिपोर्ट लिखनी है, कौन लिख रहा है, ये सब चीजें अपन को गिवन होगी, तो वो अपन को नाम लिख देना है। उसके बाद अपन को लिखना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इसको बोल देते हैं अपन टाइटल, क्या लिखना है टाइटल, यहाँ पे लिख देंगे अपन टाइटल कि रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, उसका टाइटल लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे यहाँ पे टाइटल। उसके बाद लिखेंगे अपन बॉडी, बॉडी ऑल अदर डिटेल्स, ऑल अदर डिटेल्स। अबाउट द न्यूज, उसके न्यूज के बारे में जो भी अपने पास डिटेल है वो सारी क्या कर देंगे अपन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एक होता है कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन यहाँ पे लिखेंगे अपन कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन मतलब रिपोर्ट से लास्ट की लाइन से अपन को पता चलना चाहिए कि इससे क्या कॉन्क्लूजन निकल रहा है रिपोर्ट से, मतलब ये रिपोर्ट अपन ने क्यों पब्लिश करी है, ये सब चीजें। और एक होता है रेफरेंस, रेफरेंस लिस्ट, रेफरेंस लिस्ट इसमें क्या होता है, रेफरेंस जो भी किस रेफरेंस से आपने वो रिपोर्ट पब्लिश करी है, किसके रेफरेंस से आपको मिली है जानकारी, ये सब चीजें अपन कहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जैसे अपन ये है, जैसे तुम्हारे टॉपिक आ गया, जैसे मान लो राइट ए रिपोर्ट ऑन ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम हुआ था, कोई ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम हुआ था, उस पर क्या करना है अपन को रिपोर्ट लिखना है। तो ये तो क्या हुआ, उसका टाइटल हो गया, जैसे टाइटल ये तो क्या हो गया टाइटल, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या लिखना है अपन को, यहाँ पे लिखना है नेम, कौन लिख रहा है ये, जैसे जैसे मान लो अपन कर रहे हैं इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एजुकेशन हब, इम्पैक्ट एजुकेशन हब, ये जैसे अपना इम्पैक्ट एजुकेशन हब है, ये इन्होंने क्या किया है, कोई ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम किया था, उसके बारे में ये क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मतलब एक रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी। अब डेट आपको किस फॉर्मेट में लिखनी है, डेट जैसे आज, जैसे डेट 12 दिसंबर 2023 ये है, तो इस फॉर्मेट में अपन को क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है आगे जो भी मतलब अपन को इसके बारे में लिखना था, जैसे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम में क्या क्या हुआ, अपन ने पेड़ पौधे लगाए है ना, सारी चीजें कौन कौन इसमें मतलब शामिल हुए, ये सब चीजें अपन को यहाँ पे क्या कर देनी है, लिख देनी है। जैसे वी यस्टरडे, यस्टरडे वी ऑर्गेनाइज्ड ए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, प्रोग्राम इन विलेज, मान लो कहीं पे भी जहां पे आपने किया वो क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है उसके बारे में आपने क्या क्या किया, उसमें कौन कौन शामिल हुए, कौन कौन शामिल हुए, वो सब चीजें अपन को क्या करनी है, लिखनी है। तो ये आपके लिए मैं HW दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ HW, ये क्या करना है आपको इस पे मतलब जैसे भी आप जैसे भी इंग्लिश में लिख पाओ वो क्या करना है आपको
इस पे एक रिपोर्ट लिखनी है, इस पे क्या करनी है, रिपोर्ट लिखनी है। तो ये आपका था मेनली रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है वो चीज़ें अपन ने पढ़ी है। तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, और एक आपके रिपोर्ट राइटिंग का एक टॉपिक है जो उससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में आपके आएंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं अपन, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ें जैसे आपके ये जो राइटिंग स्किल्स में कई टॉपिक है, जैसे है अपने हो गया एक तो पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, जैसे अपन ने आज पढ़ा रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, एक होता है जैसे प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग हो गया, एक होता है जैसे सिनोप्सिस राइटिंग, सिनोप्सिस राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग, तो अपन ने पैराग्राफ राइटिंग कर लिया, रिपोर्ट राइटिंग कर लिया। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपके मतलब ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में पास होने के लिए जैसे आपके जैसे सिनोप्सिस राइटिंग है। अब सिनोप्सिस राइटिंग क्या है, सिनोप्सिस राइटिंग आपके जब मतलब बीएससी फाइनल ईयर हो जाएगा उस टाइम आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिनोप्सिस लिखना पड़ेगा। तो वो ये सब चीजें क्या है, आपका लास्ट तक साथ नहीं छोड़ने वाली। तो इनको क्या करना है, अपन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अभी, क्योंकि अभी बेस मजबूत होगा तो क्या होगा, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर देखते रहोगे आप किससे बनवा लूँ मैं, पैसे दे के वो बनवा लूँ, ये सब करोगे। तो इससे अच्छा क्या है, अभी से क्या करना है, अपन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की। तो अपन ये अभी ये देख लेते हैं दो चार टॉपिक, ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, इनमें कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, लिखना है किसी भी टॉपिक के बारे में, टॉपिक पे वो मैं टॉपिक देता रहूंगा तुम्हें। तो ये चीजें अपन दो पढ़ लिए, बाकी और देखते हैं। अभी फिलहाल ये क्लास यही ओवर होती है, और अपने रिपोर्ट राइटिंग कैसे करती है ये तुम लोगों को लिखना है इस पे, जैसे भी लिख पाओ तुम। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे रिपोर्ट राइटिंग में क्या करना है, दो तीन या चार पैराग्राफ, पैराग्राफ में ये होनी चाहिए, ऐसे नहीं एक पैराग्राफ में तुम लोगों ने रिपोर्ट लिख दी पूरी। जैसे तुम लोगों ने न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ना, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज़पेपर में पहले क्या होता है, पहले बड़ा सा एक हेडिंग होता है, बड़ा सा हेडिंग होता है, फिर यहाँ पे जैसे होता है जयपुर की कोई न्यूज़ है जयपुर से, तो यहाँ पे जयपुर लिखा होता है, कुछ भी जैसे दिल्ली मान लो दिल्ली लिखा होता है कुछ भी। फिर उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे अपने पास उसके बारे में होता है क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ वो सब चीजें, एक पैराग्राफ हो गया, जैसे दूसरा पैराग्राफ हो गया, ऐसे पैराग्राफ में होती है, वो पैराग्राफ्स में होती है। तो ये चीजें क्या करनी है, ऐसे लिखनी है, जैसे कोई मैगजीन हो गया, मैगजीन, तो वो भी क्या होती है, वो भी अपने पास रिपोर्ट राइटिंग की होती है मैगजीन, मैगजीन में जैसे मैगजीन में उसमें भी क्या होता है, पैराग्राफ ही होते हैं, किसने लिखा है वो ऊपर आ जाता है, उसके बाद में बॉडी में उसकी डिटेल आ जाती है, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या चीजें हैं। तो ये सब चीजें अपन को देखनी है। अभी हम यहीं और करते हैं इस क्लास को। थैंक यू।